नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया और आपके साथ मैं हूं सुषमा। जो पहले खेल के मैदान में अपनी फुर्ती से विरोधियों को चित करते थे, आज वही फुर्ती पुलिस को पस्त कर रही है। जो कभी खेलों से मेडल लाने वाले राष्ट्रीय स्तर के कई खिलाड़ी थे, वो आज गैंगस्टर है। खेल के साथ पढ़ाई में भी जिनका बोलबाला था, उनके नाम से लोगों की बोलती बंद हो जाती है। कॉलेज के या विश्वविद्यालय के होनहार आज हाहाकार मचा रहे हैं। दिनों दिन नित नए अपराध कर राजस्थान में गोलियां बरसा रहे हैं। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, जरा समझिए। दरअसल सीकर जिले में पुलिस ने 200 रुपए के नकली नोट छापने वाले एक गिरोह को पकड़ा। इनके पास से 25,000 रुपए से ज्यादा के नकली नोट बरामद किए गए हैं। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरोह सीकर शहर के बीचों बीच एक ट्रैवल शॉप की आड़ में ये पूरा खेल करता था। नकली नोट छापे जाते थे और जब ये गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा तो पता चला कि इनमें से एक रामावतार कराटे का गोल्ड मेडलिस्ट है और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष है। तो सभी आरोपी पढ़ाई में अव्वल रहे हैं। तो ऐसे में आपके मन में भी यह सवाल होगा कि आखिर क्या वजह थी कि जिनके सुनहरे सपनों की बात की जाती थी, आज वो जुर्म के अंधेरे के बादशाह क्यों बन रहे हैं। क्या वाकई अपराध की दुनिया का रोमांच इनको यहां पर खींच लाता है या फिर मजबूरियां बना देती हैं मुजरिम? जवाब तो देना पड़ेगा। तो जरा कुछ नाम आपको बता देते हैं कि आखिर ये विषय हम क्यों लेकर बैठे हैं, ये विषय इतना संजीदा क्यों हो जाता है। इसकी गहराई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो गैंगस्टर्स हमारे सामने आते हैं, अपराधी सामने आते हैं, उनमें कुछ बड़े नाम जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम। लॉरेंस बिश्नोई 1500 मीटर दौड़ का धावक है। दूसरा नाम भी आपने सुना होगा, राम स्वरूप खोरी, हत्या के मामले में वांटेड, एक ऐसा बदमाश जो एक हिस्ट्री शीटर के साथ खुद का गैंग बना रहा है, जीप लूट के मामले में गिरफ्तार हुआ। उसके बारे में भी जानकर आप चौंक जाएंगे कि वो जूडो में राज्य स्तर का खिलाड़ी रहा है और नेशनल लेवल पर भी सेलेक्ट हो चुका है। काली शूटर, ये नाम भी आपने सुना होगा, ये कबड्डी का नेशनल प्लेयर रहा है, शेखावाटी की गैंग में काफी एक्टिव है और पंजाब में इसके ऊपर 1,00,000 का इनाम। ये सिर्फ कुछ नाम है, ऐसे बहुत लंबी फेहरिस्त है। तो आखिर ये स्थितियां कैसे बन जाती है, क्या सिस्टम यहां पर जिम्मेदार है कि पहले आप बेहतर करने का ख्वाब रचते हैं, देखते हैं, लेकिन जब आपको सपोर्ट नहीं मिल पाता तब आप डाइवर्ट हो जाते हैं अपने रास्ते से, या फिर वाकई में क्राइम की दुनिया काली जरूर लगती है लेकिन उसमें इतनी चकाचौंध है, इतना पैसा है कि उसके दलदल में जब एक बार घुसते हैं पैसे के मोह में तो फंसते चले जाते हैं और बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझता। और यही वजह है कि कई होनहार खिलाड़ी या छात्र ऐसे क्राइम में फंस गए हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ गया और साथ ही साथ आपकी भी राय हम जानेंगे। आप भी हमें फोन करके बता सकते हैं कि आखिर क्या वजह आपको लगती है, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं और इसका सलूशन क्या है। आपकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। फिलहाल पैनल का इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। आनंद सिंह राजावत जी जो कि बीजेपी नेता है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राधेश्याम तंवर जी कांग्रेस विचारक है। डॉक्टर सुनील शर्मा जी मनोचिकित्सक है। योगेंद्र जोशी जी पुलिस अधिकारी हैं पूर्व, और महेश शर्मा जी पूर्व क्रिकेटर हैं। शुरुआत एक खिलाड़ी होने के नाते, क्योंकि आप खेल की भावना से जुड़े रहे, से महेश शर्मा जी आपसे ही पहला सवाल पूछती हूं। बेहतरीन खिलाड़ी, बेहतरीन छात्र, आज एक इतने बड़े क्रिमिनल के तौर पर दिखाई देते, तो उसे आप क्या कहेंगे? इसमें सबसे बड़ा प्रश्न है कि जब खिलाड़ी शुरू करता है उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी जाती है कि जीतेगा तो उसको ये, और जो बड़े खिलाड़ी जीतते हैं उनके अखबारों में भी आता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है। लेकिन जब उसको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, जब वो एक सर्टेन लेवल पे पहुंचता है और पाता है कि यहाँ पे जो उसने सोचा था वो उतना नहीं मिल पा रहा है, यानी कि वो ग्लैमर, उन सुर्खियों की आदत हो जाती है और जब वो नहीं मिलता तो वो दूसरा रास्ता अख्तियार करते खुद को सुर्खियों में लाने के लिए। हाँ, वो फिर शुरुआत में मैं समझता हूँ छोटे छोटे क्राइम में जाते होंगे और एक बार जब उसमें चले जाते हैं, जैसा आपने अभी कहा कि एक दलदल की तरह है कि क्राइम का वो, तो उसमें जैसे आप घुस जाते हो फिर एक से बढ़ के एक, और पैसे का लालच, तो इन चीज़ों को देखते हुए। और सबसे बड़ी खामी मैं समझता हूँ कि खेल में अभी काउंसलिंग की नहीं है। अच्छा, जैसे क्रिकेट जैसे खेल में तो पैसा इतना है, वहाँ काउंसलिंग भी होती है, लेकिन जो और खेल हैं उनमें इतनी काउंसलिंग नहीं हो पाती। तो जो खिलाड़ी हैं उन्हें पता, उन्हें जो रियलिटी है और जो सोच रहे हैं उसमें जो फर्क है उसका एहसास नहीं होता, इस वजह से वो इन चीजों के अंदर फंस जाते हैं।
योगेंद्र जोशी जी, क्योंकि आप पुलिस अधिकारी के तौर पर काम कर चुके हैं, ऐसे कई सारे आपने अपराधियों को देखा होगा जिनका अगर रिकॉर्ड उठाइए तो बहुत बेहतरीन रहता, और शायद उस समय लोग सोचते होंगे कि बहुत नाम करेगा बेटा, लेकिन इस तरीके से कुख्यात जब हो जाते हैं, आपको क्या लगता है क्या यहाँ पर अभाव इसकी एक बहुत बड़ी वजह हो जाती है, मजबूरी वाकई में मुजरिम बना देती है? सुषमा जी, बात यह है कि जिस प्रकार से कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं, खेल जगत में जो स्टेट लेवल पर खेलते हैं या नेशनल लेवल पर खेलते हैं, इनको आगे चांसेस नहीं मिलते। अच्छा, अब आप देखिए जो 78 के अंदर जो यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट है उसने अभी तक राजनीति में जगह नहीं छोड़ी। पीछे आएंगे तो वो जाएंगे कहाँ? अब वो सोचते हैं लोग के साहब हम यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बन गए तो हम MLA MP जरूर बनेंगे। हाँ। अब वो बनते तो है नहीं। हाँ। और एक बार वो MLA MP का ख्वाब देखते हैं और वो उस यूनिवर्सिटी के अंदर या उस कॉलेज के अंदर प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब आगे उनको जगह नहीं मिलती है। जगह नहीं मिलती है तो इसी प्रकार से खेलने वाले को या ये यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट या इनको, इनमें एक विशेष प्रकार की क्वालिटी जरूर होती है। क्यों? क्योंकि उसी क्वालिटी के बल पे तो ये आगे बढ़ते हैं, आगे बड़े होते हैं। और जब उस क्वालिटी को आगे जगह नहीं मिलती है तो उस क्वालिटी को ये डाइवर्ट करके अपराध की जगत में ले जाते हैं। चलिए डॉक्टर सुनील शर्मा से समझते हैं। ठीक है, आऊंगी सर, आऊंगी, अभी और लंबी चर्चा होगी, अभी बैठेंगे बहुत देर तक। डॉक्टर सुनील शर्मा, जो एक बात यहाँ पर निकल कर आई है, योगेंद्र जोशी जी बोल रहे हैं और यहाँ पर जो महेश शर्मा जी ने भी बोला कि एक एनर्जी, कहते हैं कि एनर्जी को अगर सही डायरेक्शन नहीं मिलती तो विस्फोट भी हो जाता है, उसके लिए एक सही डायरेक्शन जरूरी है। तो क्या यहाँ पर भी वही है जो ग्लैमर, जो सुर्खियों में रहने की आदत, जो सबसे आगे लीड करने की जो एक आदत रहती है, जब उसको स्पेस नहीं मिलता तो वो मिसलीड हो जाती है, आपको लगता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे अगर हम गेम्स की बात करते हैं तो उसमें एक अग्रेशन जो है वो की फैक्टर है, जिसको आप एनर्जी बोलते energy. हैं, दैट इज एग्रेशन। और उस एग्रेशन को अगर चैनलाइज किया जाए तो उसके रिजल्ट्स बेहतर आते हैं, जैसे स्पोर्ट्स में आ रहे हैं। लेकिन अगर वो चैनलाइज की डायरेक्शन चेंज हो जाती है किसी भी वजह से तो वो जाता है फिर क्राइम में। तो एक तो होता है कि अब इनिशियली जब स्टार्टिंग करता है प्लेयर तो उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर स्ट्रगल करने के बाद में उसको कुछ अचीवमेंट हो जाती है तब तो वो राइट डायरेक्शन में है। लेकिन अगर वो प्रॉपर स्ट्रगल करने के बाद में भी कहीं टीम में जगह नहीं बना पाता है या परफॉर्म नहीं कर पाता है तो उसमें एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है और उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो डाइवर्ट हो जाता है। उसके बाद आते हैं कि दो तरह के क्राइम्स हैं इसमें। हाँ। एक तो है आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। हाँ। जिसमें आप फिक्सिंग्स वगैरह की बात करते हैं, जिसमें दूसरे लोग उनको ट्रैप करते हैं। और एक होता है इजी वे आउट, ये काम नहीं हो रहा है, स्पोर्ट्स में अपना नहीं बन रहा है, लेकिन वो जो ग्लैमर है, वो जो पैसा है, वो जो फेम है, वो हमें चाहिए। कम से कम इलाके में एक गन लेके चलेंगे तो नाम होगा, लोग पीछे चलेंगे, जानेंगे कि हाँ भाई दादा आ गए, दबंग आ गए। वो एक जो लीडिंग क्वालिटी होती है। तो यहाँ पर तमर साहब, जो एक सबसे खास बात यहाँ उठाई गई, योगेंद्र जोशी जी ने बोला कि पॉलिटिक्स में आप जाते हैं, छात्र संघ के चुनाव लड़ते हैं और लीडर के तौर पर अपने आप को स्थापित कर लेते हैं एक विश्वविद्यालय में या कॉलेज में, लेकिन आगे राह नहीं मिलती है, इस वजह से वो फ्रस्ट्रेशन होता है, इस वजह से वो दूसरा रास्ता अख्तियार करते हैं। क्या ये बात आप मानेंगे कि इच्छा, महत्वाकांक्षा, जिसको ऊपर जाकर के दबा दिया जाता है, वो एक फ्रस्ट्रेशन के तौर पर यहाँ जाता है? खासतौर पर छात्र संघ नेताओं को देखिए कि एक अलग ही किस्म की उनकी पर्सनालिटी होती है, बॉडी लैंग्वेज होता है। सुषमा जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, थोड़ा सा हल्का सा इनकी बात से डिफर करना चाहूंगा। अगर इनके हम मूल में जाए तो जो खिलाड़ी हैं, जो यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हुए हैं, उनमें जो राजनीति में जाते हैं उनको तो अपना स्थान खुद को तय करना पड़ता है। लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ जो इस रोजगार इसकी मूल जड़ में अपराध की में कहीं न कहीं इसको उसके स्तर का रोजगार नहीं मिल पा रहा, उनके अपराध की जड़ है। बिल्कुल। हाँ। अगर उस यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष को या गोल्ड मेडलिस्ट को, गोल्ड मेडलिस्ट तो अपने परफॉर्मेंस से है, निश्चित रूप से उसको उस स्तर का रोजगार सरकारें उपलब्ध नहीं कराती है। और बार बार आपके टीवी के चैनल के माध्यम से हर अपराध की जड़ रोजगार है, इसलिए मैं बार बार आपके माध्यम से कहना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री जी को और अन्य सरकारों को कि सारा फोकस केवल रोजगार और व्यापार पे करें। ये कहीं ना कहीं जाए तो निश्चित रूप से 100% मेरा मानना है कि आज उनके माँ बाप के ऋणी हम क्षमा चाहते हैं आपकी टीवी के माध्यम से कि हम उनको उचित रोजगार नहीं दे पाए और जहाँ जाना चाहिए रोजगार चले गए। सिर्फ रोजगार क्या एक वजह है? आनंद सिंह राजावत जी, यहाँ पर तंवर साहब ने फिर से केंद्र के पाले में गेंद डालती और कहा कि बेरोजगारी जो बड़ी समस्या है वही क्रिमिनल्स बना रही है, आप क्या इसके पीछे ये मानते हैं वजह? आपका फेलियर है ये? मैं मानता हूँ बेरोजगारी
मैं मानता हूँ रोजगार प्रत्येक युवक के लिए आवश्यक है। आज हमारे देश में 65% जनसंख्या 15 से 35 वर्ष के नव युवकों की है, लेकिन ये एक तरह से बहुत अच्छा चिन्ह है देश के लिए भी, लेकिन इस ऊर्जा ये जो युवक हैं युवा है इनको सही दिशा में इस ऊर्जा को सही दिशा में रखने के लिए हमें बहुत सारे काम करने होंगे। केवल रोजगार ही इसका रोजगार तो आवश्यक है ही, लेकिन इसके साथ साथ शिक्षा के साथ साथ कहीं हमें नैतिक शिक्षा का भी हमें जोर देना चाहिए। खिलाड़ियों में चूंकि ऊर्जा और अधिक होती है तो उस ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने के लिए हमें अच्छे प्रयास करने चाहिए। उन्हें मनोचिकित्सकों की समय समय पर खिलाड़ियों को विशेष करके उनको लाभ देना चाहिए, उनको सुविधा होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि एक खिलाड़ी के मन में जीत और हार सबसे अच्छा तरीके से वो समझता है, तो उसके लिए अपराध की तरफ जाना मैं नहीं मानता कि सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे हजारों खिलाड़ियों में से कुछ दो कुछ एक चंद खिलाड़ी जिनका ये जिक्र हो रहा है वो गलत राह पकड़ ली, लेकिन हजारों खिलाड़ी हैं जो खेल के प्रति समर्पित हैं और आज हमारा भारतवर्ष भी प्रत्येक खेल क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। पहले केवल क्रिकेट था, लेकिन यहाँ पर एक रिसोर्सेज की बात आती है कि संसाधन कम होते हैं, वहाँ पर सिस्टम के फेलियर की बात आती है कि सिस्टम सपोर्ट नहीं देता है, ये एक बड़ी बात होती है। महेश शर्मा जी, जो अक्सर हम देखते हैं जब खिलाड़ियों से बात करते हैं या उन तमाम होनहार बच्चों से छात्रों से छात्राओं से बात करते हैं, तो उनको कहीं एक कसक मन में रहती है कि जो सपोर्ट उनको सिस्टम से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। क्या वो कसक कहीं आक्रोश के रूप में निकलती है और इस तरीके से आप भटक जाते हैं या क्राइम का रास्ता अख्तियार कर लेते हैं? देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, जब हम लोग ने खेलना शुरू किया 70 के दशक में, तो जो भी खिलाड़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल पे खेलता था उसको बैंकों में नौकरी मिल जाती थी, हाँ। गवर्नमेंट जॉब मिल जाती पहले थी, पहले वो सम्मान के साथ देखते थे, स्टेट लेवल खेला अच्छा, नेशनल लेवल, हाँ। खेला, और आजकल कुछ जो राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय लेवल पे चले जाते थे उनको ऑफिसर ग्रेड की भी मिल जाती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ पे सब नौकरियां एक तरीके से खत्म सी हो गई है। न बैंक को अब खिलाड़ियों को जॉब दे रहे हैं, न गवर्नमेंट में, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जैसे IOC पहले लेता था, एयर इंडिया लेता था, तो इन सब लोगों ने अब खिलाड़ियों को जो स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो खिलाड़ी हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देना एक तरीके से बंद कर दिया है, तो जिसकी वजह से ये जो बेरोजगारी की वजह से जो आदमी भटक जाता है, वो कोशिश करता है कि कहीं मिले, नहीं मिलती है, तो फिर वो गलत रास्ते अपनाने में की तरफ जो है वो बढ़ जाता है, और मनोवैज्ञानिक हेल्प मिलती नहीं है, कोई काउंसलिंग होती नहीं है खिलाड़ियों को, तो उसकी वजह से उसको क्या सही है क्या गलत है ये चूज करने में बड़ी मुश्किल आती है। अब यहाँ पर आता है कि काउंसलिंग किस किस लेवल पर, एक जैसा आपने बताया कि खेल और कूद में, जहाँ किसी भी खेल में खेल रहे थे, कोच आई गए कि वहां पर काउंसलिंग करता रहे, खुद ही बात करते रहे, आपके कोई काउंसलर रखा जाए, तो दूसरी तरफ योगेंद्र जोशी जी, क्या पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि अगर छोटी एक अपराध से शुरुआत होती है, अगर कोई होनहार छात्र या फिर कोई खिलाड़ी कहीं ट्रैप हुआ है किसी एक केस में, तो वहां पर उसकी काउंसलिंग क्या की जाती है कि उसको भटकने से बचाया जा सके, पुलिस की तरफ से क्या ऐसा कुछ होता है? सुषमा जी, ये पुलिस का काम तो है नहीं वैसे, अच्छा, लेकिन अगर ऐसा होता है, नहीं तो अगर कोई मुजरिम पकड़ा जाता है तो आप लोग, हाँ, मैंने ये देखा है कि यही नहीं, इस प्रकार के जो भी अपराधी पहली बार में इस अपराध में या किसी प्रकार के अपराध में पकड़े जाते हैं तो पुलिस वाला अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन जरूर करता है, अच्छा। वो ये करता है कि भाई आगे तुम अपराध मत करो, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा है या वो है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज और चीजों में कंपटीशन बढ़ गया, इस तरह से आज भी गेम्स में है, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट में कंपटीशन बढ़ गया है, और अब आपको वैसे सब है, अब आप देखिए पुलिस के अंदर भी गेम्स वालों को लेते हैं और जगह भी गेम्स वालों को लेते हैं, लेकिन कंपटीशन इतना हो गया कि जो नॉर्मल गेम्स वाला है या नॉर्मल जो प्रेसिडेंट रहा है उसकी कोई वक्त नहीं है आजकल। अब वो क्या सोचता है कि मैं एक बार इस तरह का बन गया या एक बार मैंने ये गेम खेल लिया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन होता क्या है कि कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से और उसके मनोभाव ऐसे हो जाने की वजह से कि मैं मेरे स्टेट में या मेरे डिस्ट्रिक्ट में मैं हाई लेवल का हो गया, अब मैं क्या काम करूंगा, और चूंकि उसके अंदर निर्णय की क्वालिटी होती है नंबर 1, लोगों को जोड़ने की क्वालिटी होती है नंबर 2,
ताकि वो क्या करता है, अब जैसे मान लो 6-7 लोगों को जोड़ना है किसी अपराध में, तो जिस तरह से वो यूनिवर्सिटी में इकट्ठे करता है, कॉलेज में इकट्ठे करता है, इसी तरह से इसमें उसकी क्वालिटी होती है इकट्ठे करने की, तो वो आसानी से कर पाता है। इसी तरह से गेम्स के अंदर है, गेम्स में जो उसकी मनोभावना है खेलने की, जो उसकी कंपटीशन करने की भावना है, वो भावना जब समाज में वो कंपटीशन में आता है तो ये सोचता है कि मैं अगर इसमें भी अगर कंपटीशन करूंगा तो मुझे ज्यादा से ज्यादा इनकम। लेकिन कहते हैं कि खिलाड़ियों की जो खेल भावना होती है वो कंपटीशन से ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखती, उसमें हार और जीत उनके लिए बहुत मैटर नहीं करती है। यहाँ पर डॉक्टर सुनील शर्मा, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं जो यहाँ पर योगेंद्र जोशी जी कह रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि खिलाड़ी की जो सोच होती है वो बहुत बड़ी होती है, वो बहुत बड़ी होती है और उसके लिए एक हार बहुत बड़ी हार नहीं होती है, तो इसको कैसे आप जस्टिफाई कर रहे हैं इस केस में पूरा? देखिए, आप जैसे अपन हार को लेके या फ्रस्ट्रेशन को लेके बात कर चुके हैं कि भाई उसको आगे एवेन्यूज नहीं मिलते हैं, उसको आगे प्लेसमेंट्स नहीं, बस मौकों की बात होती है कि मौके नहीं अगर मिलते हैं तब वो फ्रस्ट्रेशन आता है ना। उसके बाद में क्या एक और चीज है कि कई बार वो सब्सटेंस अब्यूज में भी जाता है, कोई अल्कोहल है या ड्रग्स है वहां पे भी जाते हैं। दूसरा, एक बार सक्सेस मिलने के बाद में उसको वो पावर, वो ग्लैमर, वो पोजीशन जो है उसका, कि वो जो आइडेंटिटी है उसको वो रिटेन करना चाहता है, और स्पोर्ट्स जो है एक लिमिटेड पीरियड के लिए आपको वो जगह देता है, एंड टू कंटिन्यू दैट उसको आगे रखने के लिए वो इस तरह के क्राइम्स में जाता है जहां पे उसके पास में पैसा भी रहे और वो पावर भी रहे। राजावत जी, ये एक सबसे बड़ी बात है कि नशा वाकई में युवाओं में नशा बढ़ता है, खासतौर पर जो लोग खेल खेलते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कैसे वो खुद को रिलैक्स करने के लिए, तंवर साहब, कैसे लोग अपने आप को बचाने के लिए, खिलाड़ी या फिर अपने हार को बुलाने के लिए या तमाम फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए नशे के भी आदि होते हैं, तो क्या वो भी एक बड़ी यहाँ पर वजह आपको समझ में आती है? नहीं, नशा भी आदमी जब करता है, कोई प्रतिभाशाली छात्र या प्रतिभाशाली युवा, तो उसको मुकाम नहीं मिलता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमारे विश्व के अंदर जो हमारी सबसे बड़ी जो खासियत है, हमारे देश की 65% युवा शक्ति, अगर इस युवा शक्ति को भटकने के बजाय हम पूरी सरकारें मिलकर कंटीजेंसी प्रोग्राम बनाए, कोई इमरजेंसी प्रोग्राम बनाए युवाओं को जो शक्ति के काम में लगे। अगर वो बेरोजगार की स्थिति में रहता है कैसे करेंगे, करेंगे कैसे? लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठा है, पूरा गैंग चला रहा है। अब गैंग में तो और लड़कों को जोड़ा ही जा रहा होगा ना, और युवाओं को तो जोड़ा ही जा रहा होगा ना, तो पहले वो रोक लीजिए, वो तो रोक ही नहीं पा रहे। हाँ बिल्कुल, अपराध पर लगाम लगनी चाहिए, ऐसे दो लोग जेल से, तो जेल में बैठे बैठे पूरा गैंग चलता रहता है। हाँ, ये बहुत बड़ा अभिशाप है समाज के लिए, और मैं सरकार, सभी सरकारों से, केवल राजस्थान सरकार ने, केवल भारत सरकार, सभी सरकारों को अपराधी है उनको निश्चित रूप से रोक लेनी चाहिए। लेकिन जो प्रतिभाशाली छात्र और कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, प्रतिभाशाली, उसको हमें देखना होगा कि वो क्रिमिनल है या नहीं, उसको सुधार का मौका हमें अवश्य देना चाहिए। ऐसा होता है क्या? होना चाहिए ऐसा, सभी तबकों पर, इस पर एक केवल सरकार पर आधारित नहीं हो, इसमें सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सरकारें हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, चाहे कोई भी दल। राजावत जी, तंवर साहब को आपने सुना, बड़ी बात तो ये है कि ये गैंग बनते कैसे हैं, जब छूट जाते हैं, जब आप लगातार अपराध पर अपराध करते लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाती। इस पर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि एक होनहार खिलाड़ी जो राज्य स्तर पर नाम रोशन करता है, अपने जिले का, अपने गांव का, राष्ट्रीय स्तर पर जाकर अपने राज्य का नाम रोशन करता है, वो आखिर कैसे जुर्म की दुनिया में फंस जाता है, कैसे वहां पर वो एक बड़ा अपराधी बन करके फायरिंग शुरू कर देता है, एक अलग अलग अपराध को अंजाम देना शुरू कर जाता है, एक गैंग बना करके लोगों के बीच में हाहाकार मचा देता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो गिरोह पकड़ा गया है उसमें एक तो गोल्ड मेडलिस्ट है, और दूसरे और बाकी जो आरोपी हैं वो पढ़ने में बहुत अच्छे रहे हैं, छात्र पॉलिटिक्स में रहे हैं, जहाँ पर एक उसूलों की बात भी कही जाती है। तो क्या वाकई में वहाँ पर उसूल बचे नहीं हैं? क्या आप स्टार्टिंग से जहाँ से आप चल रहे हैं वहीं पर एक कमजोरी आ गई है, इस वजह से ये तस्वीर देखने को मिल रही है? इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो महेश शर्मा जी, एक जो बात आती है कि फर्स्ट स्टेप पे आप क्या सोचते हैं, देन सेकेंड, देन फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, ऐसे, तो क्या स्टार्टिंग में ही वो एक खोखलापन, एक कमजोरी आ गई है जिस वजह से वो पूरी तरीके से दीवार खड़ी ही नहीं हो पाती और बीच में ही भर भर आ जाती? मैं समझता हूँ इसको स्कूल से ही बच्चों को तैयार करना पड़ेगा फेलियर के लिए, कि सक्सेस के लिए हम भी तैयार करते हैं, लेकिन हर जना सक्सेस नहीं पा सकता, और जो सक्सेस वो सोचता है वो नहीं पा सकता, तो उसे हमें मेंटली तैयार करना पड़ेगा कि वो फेलियर को एक्सेप्ट कर सके, उसको फेस कर सके।
ये जो प्रॉब्लम आ रही है क्राइम में जाने की, खाली खिलाड़ियों में की प्रवृत्ति नहीं है, ये जो युवा अब पढ़ाई खत्म करके जब नौकरी की उसमें जाते हैं तो वो सब फेस करते हैं। अच्छा, लेकिन खेल और खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि दावे बहुत किए जाते हैं लेकिन हकीकत ये है कि अभी भी वो रिसोर्सेज नहीं मिल पाते, फिर उन्हीं पे आना पड़ेगा कि उनको वो माहौल नहीं मिल पाता, वो तमाम सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, वो गाइडेंस नहीं मिल पाता। क्या ये एक बड़ी कमी नहीं है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है? नहीं, खाली ये वजह नहीं हो सकती, क्योंकि अभी आपने थोड़े दिन पहले पढ़ा होगा, पेपर्स में काफी आया था, विराट कोहली आज उसने आज दुनिया का सबसे अमीर खिलाड़ी है, लेकिन उसने भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि मेंटल प्रेशर को झेलने के लिए काउंसलिंग और सलाह जो सही रास्ता बता सके वो बहुत ज़रूरी है। तो इसको खाली हम सुविधाओं की कमी को किस तरीके से हम फेस करें, नहीं, लेकिन एक होता है कि आप किसी स्टेट लेवल पे खेलने जा रहे हैं या नेशनल लेवल पे खेलने जा रहे हैं, तो एक पैसे का भी अरेंजमेंट करना होता है। एक छोटी सी बात बता रही हूँ, पैसे का अरेंजमेंट करना होता है, घर की माली हालत ठीक नहीं है तो कई बार एक्सपेक्टेशन बहुत होती है, इच्छाएं बहुत होती है, तो आप उसमें गलत रास्ता एक छोटा सा अख्तियार करते हैं कहीं से भी, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। क्या ये भी एक वजह होता है? इस पर हम बात करेंगे आगे अपने तमाम मेहमानों से, लेकिन हमारे साथ एक व्यूअर जुड़ गए अजमेर से, आदर्श। आदर्श, आप क्या कहेंगे इस पर? जी मैम, मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से मैरी कॉम, राज्यवर्धन सिंह राठौर और चेतन चौहान जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे, ये अपने आप में एक आदर्श हैं जो युवा पीढ़ी को ये समझा सकते हैं कि खेल के बाद में भी आप देश को, समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। और खेल के समय सरकार, भले ही वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उनको उनको जो डेली अलाउंस जो मिलता है खिलाड़ियों को वो बढ़ा देना चाहिए, ताकि उनका रुझान जो है वो खेल के प्रति ज्यादा रहे और वो बाकी डिस्ट्रैक्शंस के अंदर वो नहीं है। वो चकाचौंध की दुनिया भी होती है योगेंद्र जोशी जी, जब आप खेल में जाते हैं तो आपको हर तरह के लोग मिलते हैं, जब स्टेट लेवल पे खेलने जाते हैं या नेशनल लेवल पे, तो कई दफा एक गरीब घर का लड़का जो हम कह रहे थे कि पैसा जैसे तैसे जतन करके वो जुगाड़ करके लाता है कि उसे आगे खेलने का मौका मिले, उसे कोच मिले, उस चकाचौंध में भी क्या एक गुमराह हो जाता है वो कि पैसा बहुत जरूरी है उसके लिए, खेल से ज्यादा जरूरी पैसा है क्योंकि उसे खुद को रखना है सबके सामने, तो वो एक चकाचौंध, वो एक जो माइंड सेट चेंज होता है वहीं से शुरुआत हो जाती है क्या? सुषमा जी, ये बात नहीं है, बात यह है कि पहले जो हमारे यहाँ आप देखिए कांस्टेबल की भर्ती के लिए दसवीं पास लिखी हुई है एजुकेशन के, इतनी दसवीं पास होनी चाहिए, अभी डबल ए में पीएचडी डॉक्टर उसके लिए भरते हैं। तो आज से 20 साल पहले 30 साल पहले खेल में भी इसी तरह का था और एजुकेशन में भी ये था, एक खिलाड़ी अगर स्टेट लेवल खेल जाता था तो उसको किसी भी सर्विस में ले लिया जाता था, आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह के बहुत स्टूडेंट हैं जो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे खेलते हैं, अब उनकी इच्छा ये हो कि साहब हम नेशनल लेवल पे खेल लिए तो हमको नौकरी मिलना जरूरी है, अब उनमें भी कंपटीशन है नेशनल लेवल पे भी कि जो उसमें से सबसे ऊपर होगा। अब जैसे कल आया है कि एक अंडर 19 पे 100 रन बनाए उसने, कल एक लड़का है और उसका पिता जो है पानीपता से बेचता है, अब 100 बना लिए उसने, कल की न्यूज है, तो आप बताइए अब वो तो आगे बढ़ेगा क्यों, और फिर उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है तो कहाँ आई उसके लिए चकाचौंधी, कुछ नहीं है। अंडर 19 में उसने 100 रन बनाए और बाप पतासे बेच रहा है, ये चीज इसके अंदर जरूरत नहीं है कि उसको चकाचौंधी या पैसों की आवश्यकता है, आवश्यकता यह है कि कंपटीशन बहुत हो गया और ऐसे कंपटीशन के अंदर जहां कंपटीशन ज्यादा है तो उसको अधिक मेहनत करनी पड़ती है, तो कुछ लोग तो क्या करते हैं कि मेहनत करके आगे निकल जाते हैं, कुछ मेहनत करने से जी चुराते हैं, अब वो सोचते हैं कि नहीं साहब हमें तो कोई नौकरी मिल जाती है, वो मिल जाता, तो अब आज के समय में ऐसा संभव नहीं है। अब तो उनको लगता है कि मेहनत करने से बेहतर है कि क्रिमिनल बन जाएं, आप ये कहना चाहते हैं? सरकारों को अब ये चाहिए कि जो भी स्टूडेंट इस प्रकार से निकलते हैं उनको अपने स्तर के मुताबिक खपाने का प्रयास करें, उनको अपने स्तर के मुताबिक आगे बढ़ने का प्रयास करें, ये गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, चाहे एजुकेशन हो, ठीक है, चाहे कैसे भी। डॉक्टर सुनील शर्मा, जो बात हो रही थी अभी यहाँ पर कि चकाचौंध की बात नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि शायद फर्स्ट स्टेप पे ही जब बच्चा बाहर निकलता है तो बहुत सारी उम्मीदें पाल लेता है, चीजों को देखता है तो उसकी भी ख्वाहिशें होती हैं, ऐसे जब धीरे धीरे आप बाहर आते जाते हैं तो आप वो जो आपको अलाउंसेस मिलता है या जो आपको गाइडेंस मिलता है वो शायद उसको लगता है कि सफिशियंट नहीं है, उसको और चाहिए, ये और चाहिए कि जो भावना होती है वो छोटी छोटी आपसे वारदातें कराती जाती है और बाद में एक बड़ा गैंगस्टर या क्रिमिनल बन जाता है, क्या आपको लगता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि एक जो सक्सेस का जो उसका
ग्राफ है वो ग्रेजुअली बढ़ता जाता है नहीं, और कुछ की बात नहीं है, आप खेलने गए, आप चार तरीके के लोगों से मिले, नहीं आपने स्टार्ट किया, हाँ। खेलना स्टार्ट किया, आपने अचीवमेंट स्टार्ट किया, ऐसा तो है नहीं कि वो सीधे ही जाके इंटरनेशनल लेवल पे खेलेगा या नेशनल लेवल पे खेलेगा, उसको अचीवमेंट्स मिलते जाते हैं और उस अचीवमेंट से उसको ग्रेटिफिकेशन मिलते हैं कि हाँ ठीक है मैंने ये परफॉर्म किया, अब मुझे नेक्स्ट चांस ये मिलेगा। बट एक लेवल के बाद में आगे चांसेस नहीं होते हैं, एक लेवल के बाद में वो वहीं सस्टेन करता है और वहीं सस्टेन करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, कई लोग वो सस्टेन भी नहीं कर पाते हैं। उससे आगे बढ़ना या वहीं रुके रहना। लेकिन एक क्वेश्चन उठा था मॉरल टीचिंग की बात, कि शायद मॉरल टीचिंग में कमी आ रही है कि पहले जो सोच थी आपने, तो वो भी मतलब एक रीजन स्टार्टिंग से हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स अगर देखते हैं तो आप जब स्टार्ट कर रहे हैं वो ग्राउंड में आ रहा है, जब से वो बच्चा है तब से जब से ग्राउंड में आ रहा है तब से मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज बहुत जरूरी है, उसको मेंटरशिप जो है वो प्रॉपर मिलनी चाहिए, जिसको हम कोचिंग के रूप में भी बोलते हैं। तो कोच जो है वो केवल उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को नहीं स्ट्रीमलाइन करता, उसका जो मेंटल स्टेटस है, उसके जो इमोशनल कोएफिशिएंट। लेकिन बड़ी बात तो है कि कोचेस तो होते नहीं, कई सारे खेल के लिए तो कोचेस ही नहीं होते, कोच होते भी है तो उनकी क्या एबिलिटीज है वो भी नहीं चेक किया जाता, वही हमें देखना पड़ेगा कि वो कितने एफिशिएंट है, वो केवल फिजिकल में देख रहे हैं या बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ उसके जो जरूरी है इसमें मेंटल और इमोशनल स्टेटस है, वो भी अगर उनको मेंटरशिप देता है या कोच करता है तो आगे जाके ऐसी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस कम है। चले तवर साहब, जो बात कही गई यहाँ पर कि खपाया जाए, जो ऐसी क्वालिटीज हैं, जो ऐसी एनर्जी है उनको यूटिलाइज ठीक ढंग से हम नहीं कर पा रहे, जो बड़ी बात निकल कर आई। मैं इसमें आपको एक बात कहना चाहूंगा कि इसको हम अनुपात में ले। अच्छा, अगर 100 खिलाड़ी है तो 90% खिलाड़ी अगर उनको अपना स्तर का रोजगार नहीं मिलता है, उनका सम्मान नहीं होता, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? तो आप भी लोगों की जिम्मेदारी है ना। 1% लोग है तो 400 होते हैं अपने को फेमस करने के लिए काम करते हैं और अपना तरफ जाते हैं, वो तो 1% लोग है, बाकी सारी परसेंटेज के लोग अपनी उनकी अवेला होती है, उनको उचित स्थान नहीं मिलता, इसलिए ये रास्ता अपनाते हैं। तो मैं चाहूंगा जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने अभी बहुत बड़ा खेलों का आयोजन किया पहली बार आपके एसएमएस स्टेडियम में, ऐसे खेलों का आयोजन करने से उनको प्रेरणा मिलती है, उनका समय समय पर सम्मान हो और खेल डिपार्टमेंट ये निश्चित करें कि भाई ये लोग राष्ट्रीय स्तर के हैं, नेशनल स्टेट लेवल के, उनका एक रिकॉर्ड हो और समय समय पर उनको बुलाया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, तो मैं समझता हूँ अपना पर बहुत बड़ी रोक लग सकती है। सिर्फ सम्मान और मोटिवेशन से घर भी नहीं चलता सर, एक मिनट, सिर्फ सम्मान और मोटिवेशन से घर भी नहीं चलेगा, ये भी एक फैक्ट है कि आपको प्रैक्टिकल होना भी पड़ेगा, आपको उसके लिए पैसा भी चाहिए होगा, उसके लिए नौकरी भी चाहिए होगी और उसके लिए आपको चाहिए होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा रोजगार क्रिएट करें। हाँ, जहाँ से स्टार्ट किया था तो एक कॉलेज का अगर टॉपर है, एक विश्वविद्यालय का टॉपर है तो उसको उतनी ही, मैं अभी चाहूंगा ये आम लोग नहीं है, ये कहीं कहीं ना प्रतिभा इन लोगों में, इनको रखनी पड़ेगी, प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा शायद, ये भी तो हम कह सकते हैं, सुविधा के लिए कुछ करना तो करना पड़ेगा, तो कौन करेगा, करेगा कौन? मैंने कहा हमारी जैसी सरकार भी खेलों के प्रति काफी। राजावत जी, फिर वही बात आती है कि जो हमारे पास एनर्जी है, जो हमारे पास हुनर है, उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसको सही डायरेक्शन में हम नहीं खपा पा रहे हैं और शायद इसलिए भी ये डाइवर्जन है। इसके लिए आपके पास कोई विजन है क्या, या उस विजन को लेकर कभी कोई काम किया गया क्या? नहीं, मेरा पहला तो मैम ये कहना है कि ये ऐसा कृत्य क्यों होता है, एक खिलाड़ी करता है तो वो अधिक चर्चा में आ जाता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लाल किला से एक बार बहुत सुंदर बात कही थी कि हम हमारी बेटियों से पूछते हैं तुम कहाँ गई थी, कब आई, इतनी लेट कैसे आई, हम हमारे लड़कों से कभी नहीं पूछते हैं तुम कहाँ थे, तुम्हारे दोस्त कौन कौन है, तुम कहाँ थे, अगर अभिभावक और समाज हम पूरा ध्यान रखें अपने बच्चों के बारे में तो ऐसी घटनाएं होगी नहीं। लेकिन सर हम तो टैलेंट के यूटिलाइजेशन की बात करें कि टैलेंट को आप यूज कैसे करें, रोजगार बड़ी बात नहीं है, आपने क्या बोला इससे, नहीं मैं तो इस बात का कि संसद में बैठकर कौन केवल रोजगार में बैठकर आपने क्या नीति तय की, सुनिए आपने खेल के बारे में क्या, रोजगार के लिए क्या तय किया, ये विशेष है, आपने लाल किले से क्या बोला ये विशेष नहीं है, इसलिए मुझे कंटेंट से प्रोग्राम बताओ आप बीजेपी कांग्रेस पे ना आए, अरे युवा के लिए आ रहा हूँ, एक बहुत बड़े जिम्मेदार पद पे बैठे हो, देश के प्रधानमंत्री बहुत बड़ा बजट का हिस्सा है, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, वो किसी वो युवाओं के लिए देश के प्रधानमंत्री, आप सुन तो लीजिए, हाँ सुनाइए अजी, आप सुन तो लीजिए, हम सुन रहे हैं आपकी बात, सुनाइए आप, अब प्रधानमंत्री मैं जब मैं अपनी लाल किले की बात मत करो, मैंने कहा अपने तो सीधी सीधी रोजगार की बात करो, प्रतिभा की बात करो, प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं होता है, अरे मैं राजनीति की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप हद कर रहे हैं, प्रदेश का प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं होता है, मैं राजनीतिक चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ये मैं जो बात कर रहा हूँ वो नैतिक
गंभीरता की कर रहा हूँ कि हमें अपने बच्चों पर ध्यान रखना हमारी जिम्मेवारी है। और ये जो ऐसा कृत्य हो जाता है तो ये एक दिन में नहीं होता है, कोई खिलाड़ी एक दिन में नोट छापने की मशीन तैयार नहीं कर लेता। मैं आपको दूसरी बात करना चाहता योजना होती है, कई लोग शामिल होते हैं, उसमें एक दो खिलाड़ी हो सकता है, एक खिलाड़ी हो गया। प्रतिभाशाली रोजगार से जोड़ना चाह रहे हैं, संबंध में कोई नीति संसद में बैठकर तैयार करनी चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ, मैं आपकी बात तो नहीं काट रहा, मैं रोजगार सरकार है जो आजकल तो चुनाव पे चुनाव पूरा ध्यान चुनाव की तरफ है और देश में अराजकता का माहौल है। मैं तो प्राइवेट लोग रोजगार दे पा रहे हैं, न फैक्ट्री रोजगार दे पा रही है, तो हम प्रधानमंत्री जी हमारे आदरणीय सूर्य समान है, वो छोटा सा दीपक नहीं है, इनमें देश का नागरिक होकर रहते हैं। आपके माध्यम से प्रधानमंत्री कहना चाहूंगा कि रोजगार की व्यवस्था करें, व्यापार की व्यवस्था करें। तो दीजिए बार बार वही बात आप बोल रहे हैं, उनको अपना विजन तो बता दीजिए। हां राजावत जी, आप हद कर रहे हैं आप। अरे मैं मोदी जी बता रहा हूँ जो मैं देखता हूँ, आप ठीक है तंवर साहब, आप बहुत ज्यादा बेरोजगारी सब तरफ लग रहे हैं, ठीक है सर, सबको दिक्कत है, लेकिन एक बार सुन तो ले, पूरी बात सुन ले एक बार। राजावत जी प्लीज जल्दी से कंप्लीट। बेरोजगारी मैं देखिए बेरोजगारी है इस देश में, पहले भी थी, आज भी है, और जिस जो हमारी जनसंख्या है, जितना युवक आज पढ़ा लिखा हो गया, रोजगार देना सबके लिए, सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। पहले खिलाड़ी इतने नहीं थे, आप गिव अप कर रहे हैं, डिपार्टमेंट सरेंडर कर रहे हैं कि आप यहाँ पर हुनर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ये आपके बस की बात नहीं है। राजावत जी गिव अप नहीं कर रहे, राजावत जी आप गिव अप कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं कि नहीं कर पाएंगे आप। हुनर का इस्तेमाल ये आप अपने शब्द मेरे मुंह में डाल रही हैं। मैं शब्द डाल रही हूँ, आपने कहा कि यह संभव नहीं है कि सबको रोजगार अच्छा सरकारी मिल सके, यहाँ पर कुछ टैलेंट की बात हो रही थी और आपने ये सेंटेंस बोल दिया। मैंने पहले कहा टैलेंट और प्रतिभा की बात होनी चाहिए, खाली जो देश की धरोहर है उनके लिए आप रोजगार नहीं सकते, तो फिर आपका बैठना बेकार मानूंगा मैं। तो ये करा जो जुड़े जो हम ये जुड़ा कराटे वाले जो है अपना कोई अपना भी कोई सेंटर खोल सकते हैं उसमें। अरे प्रतिभाशाली सर अपनी बात वहां जूडो कराटे से अच्छा। आप क्या कह रहे थे, प्रतिभाशाली होते ही ये मैं जूडो कराटे का वो उसके लिए भी जिस ये जो खेल है इसमें भी कई तरह के आयाम रोजगार के स्थापित हो सकते हैं। कई आजकल कई तरह के निजी सेंटर्स भी खुल सकते हैं, उसमें सहयोग भी हो सकता है, सरकारी योजना है, तो कौन शुरू करेगा सर? योजनाओं का भी लाभ लिया जा सकता है, कौन शुरू करेगा, कौन शुरुआत कौन करेगा राजावत जी? कई तरह के गेम से नहीं तो शुरू तो खुद खिलाड़ी कर सकता है, खुद खिलाड़ी कर सकता है, अच्छा खुद खिलाड़ी कर सकता है, खुद खिलाड़ी के इंस्टीट्यूशन खड़ा कर सकता है, हर खिलाड़ी के बस की बात है। महेश शर्मा जी एक एक खिलाड़ी अपना एक अलग इंस्टीट्यूट बना सकता है, राजावत जी की जरूरत नहीं है, ये नहीं कर पाएंगे। खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी खुद ले, अपना भविष्य बना ले, इंस्टीट्यूट बना ले, बताइए। दुर्भाग्यवश और ये कोई आज की बात नहीं है, शुरू से ही किसी भी सरकार की प्रायोरिटी खेल नहीं रही है। हाँ। युवा रहते हैं लेकिन खेल अब नहीं रहता। अब वो समय आ गया है कि हाँ। सरकारें थोड़ा सा एक इनिशिएटिव लेके नहीं, लेकिन ये कितना हास्यास्पद लगा कि एक ही खिलाड़ी अपना इंस्टीट्यूट बना सकता नहीं, वो पॉसिबल कोच बन जाए, इंस्टीट्यूट बना ले, है ना राजावत जी? पब्लिक पार्टिसिपेशन मॉडल के ऊपर किया जा सकता है, बड़ी बड़ी ये एक ऑप्शन है हर एक ऑप्शन आपने सर, लेकिन क्या हर किसी की हैसियत होती है, क्या हर एक खिलाड़ी इतना सक्षम है, फाइनेंशियल सक्षम है? वो सक्षम हो तो भी पॉसिबल नहीं है, तो भी ये चीज प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल राजावत जी एक खिलाड़ी बैठे वो कह रहे हैं ये संभव नहीं है, ये जो है ना अंधेरे में तीर चला रहे हैं, हवा हवाई बातें कर रहे हैं, हवा में किला बना दिया अपने, इंस्टीट्यूट बन गया हर खिलाड़ी के पास। नहीं हर खिलाड़ी अपराध मैडम, हर खिलाड़ी अपराध भी नहीं करता है। तो जो अपराध करते हैं उनको पहले से उनको बता देना चाहिए कि भाई अपराध आप करने जा रहे हैं, आप इंस्टीट्यूट बना लीजिए, पहले से पता चल जाएगा क्या? आप बहस को गलत दिशा में न ले जाएं, ऑप्शन बहुत होते हैं, अब उसमें से कौन क्या लेता है ये हर एक की चॉइस होती है। सर जिसके पास जो संभावनाएं होंगी वही तो टटोलेगा, अगर संभावनाएं आप छोड़ेंगे नहीं तो वो क्या करेगा, ये सवाल यहाँ पर आ जाता है। योगेंद्र जोशी जी आप ये पूरी बात सुन रहे राजावत जी की, आपको सही लग रहा है, ये व्यवहारिक लग रहा है क्या? देखिए ये तो मैं माफ करना, या तो इनको एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज का,
खिलाड़ी कैसे खेलता है, उसकी क्या परिस्थितियां होती है, स्कूल में कैसे खेलता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे आता है, स्टेट लेवल पे कैसे जाता है, फिर नेशनल में कैसे जाता है, उसके खिलाड़ी की जो भावनाएं हैं, उसकी मन की स्थिति है, उसको पढ़ने वाला तो कोई चाहिए, या तो वो स्कूल वाला पढ़ेगा या वो कोई कोचिंग वाला पढ़ेगा या खेल वाला पढ़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई जो स्टूडेंट है जो खेल रहा है उसको अपने बारे में ये पता चल जाए कि मैं ऐसे इंस्टीट्यूशन खोल लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, वो तो नहीं कर सकता ऐसा कर। क्राइम पे जाने के पहले मुझे चाहिए कि कुछ लाख रुपए, कुछ करोड़ रुपए मैं इकट्ठा कर लूं, मैं अपना सचिव बना लूं, आगे इतनी समझ होगी, कुछ तो चाहिए, इतनी समझ होगी तो वो क्या ही क्यों ही जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल वो डाइवर्जन होगा ही क्यों। बिल्कुल डॉक्टर सुनील शर्मा, ये बात बहुत बड़ी है कि आप यहीं से क्या डिमोरलाइज होना शुरू हो जाते हैं, जिस तरीके की बातें हो रही, शायद डीमोरलाइज होने के लिए ये बातें ही बहुत हो जाती है। परिस्थितियों के साथ साथ कहते हैं कि शब्द तो बहुत भारी होते हैं, आपके दिमाग पर असर करते, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, क्या ये भी एक वजह है कि आप होपलेस हो चुके हैं? ज्यादातर लोग क्या होपलेस होकर इस तरीके से क्राइम में आते हैं? ये भी बड़ी वजह है, इसको एक्सेप्ट करना होगा हमें। देखिए, ये एक सिंगल फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, ये बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इंसान की पर्सनैलिटी से लेके उसका। लेकिन जब हम रीजंस की बात करते हैं तो एक एक्सपेक्टेशन के रीजन की बात कर लिए, हर जना एक्सपेक्टेशन पे नहीं जाता, ये भी क्या, ये भी एक वजह पॉसिबिलिटी है, लेकिन हर जना नहीं जाता है, क्योंकि आज जितने खिलाड़ी हैं सबने इंस्टीट्यूट नहीं बनाते हैं, ना उनके दिमाग में होता है, उनके दिमाग में एक चीज होती है कि मुझे देश के लिए खेलना है, उसके लिए अचीव करना है, वहां तक पहुंच गए वो बहुत है उनके लिए। बहुत सर, क्योंकि वक्त बहुत कम है डॉक्टर सुनील, बस मेरा एक सवाल है कि क्या वाकई में होपलेस होकर लोग इधर जाते हैं? आप एकदम होपलेस हो गए इसलिए भी जा रहे हैं? बिल्कुल स्लिप हो सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, लेकिन आपके पास कोई रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल सर्वाइवल के लिए ही नहीं समझ। दे कैन बी डाइवर्टेड व्हेन दे आर फ्रस्ट्रेटेड एंड होपलेस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन बहुत अजीब स्थिति बन जाती है जब आप इतने बड़े विषय पर बात कर रहे होते हैं और वहां पर एक क्लियर, एक ब्राइट विजन की जगह पर इस तरीके की बातें होने लगती हैं, तब ये बहुत समझने की जरूरत हो जाती है कि उस इंसान की स्थिति क्या होगी जो कभी बहुत लाइमलाइट में रहा, बहुत बेहतरीन कर रहा था अपने करियर में, बहुत कुछ सोच रहा था, तो क्या वो जब तमाम ख्वाब, वो तमाम जो सोची हुई बातें होती हैं वो जमीन पर चकनाचूर होती हैं, तो इस वजह से भी ये स्थितियां बनती हैं, या इसके अलावा भी जो बाकी फैक्टर्स हैं, लेकिन जो भी है इसको रोकना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पुलिस की और बहुत बड़ी चुनौती भी है पुलिस के सामने। फिलहाल के लिए शो में था।